वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो के साथ आगे बढ़ेंगे, जो हमारी टॉपिक थी उसके बाद हम आज बात करेंगे इम्यूनोग्लोबुलिन की, जो हमारे शरीर की रक्षात्मक कड़ी है, रक्षात्मक इकाई है, जिसकी वजह से हम लोग आए हुए एंटीजन से बच सकते हैं और बचे भी रहते हैं। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं अपने शरीर के ऐसे पार्ट की जो हमें रोगों से सुरक्षा प्रदान करती है। आखिर उसकी संरचना होती कैसे है उसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी एंड इम्यूनोग्लोबुलिन्स। प्रतिरक्षी क्या होती है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, सबसे पहले ये समझेंगे हम लोग कि ये एंटीबॉडी होती क्या है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में, जैसे हम कहते हैं एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी क्या होती है, यदि कोई एंटीजन, ठीक है ना, कोई एंटीजन जिसे हम लोग बाह्य पदार्थ भी कह सकते हैं, ठीक है ना, बाह्य पदार्थ जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इन्फेक्शियस, मतलब जैसे हम कह सकते हैं कोई भी जो संक्रमण आपको बीमारी उत्पन्न करे, यानी कि सीधा मतलब ये है एंटीजन यानी कि कोई बाह्य पदार्थ जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब हमारी प्रतिरक्षा तंत्र एक प्रोटीन निर्मित करती है। उस निर्मित प्रोटीन यानी कि जो प्रोटीन होती है उसी को एंटीबॉडी कहते हैं या उसी को इम्यूनोग्लोबुलिन कहा जाता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम ये बता सकते हैं आपको कि जो बाह्य पदार्थ है, बाह्य पदार्थ से हमारे शरीर में अनुक्रिया होती है। अनुक्रिया का मतलब ये जब प्रवेश करता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन, कुछ क्रिया करता है, अनुक्रिया होती है। तो उस क्रिया के दौरान, ठीक है ना, उस क्रिया के दौरान जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षी तंत्र एक प्रोटीन निर्मित करता है, प्रोटीन निर्मित करता है इसे ही एंटीबॉडी या इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं, ठीक है ना। तो हमें बात समझ में आ गई कि एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी हमारे शरीर में कब जनरेट होती है, जब कोई एंटीजन या कोई पैथोजन हमारे शरीर में प्रवेश करता है तब ये जा करके हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो प्रोटीन बनाता है और वही प्रोटीन हमारे शरीर की रक्षा करती है, किससे, पैथोजन से, जो हमारे शरीर में बैक्टीरिया, वायरस या पैथोजन आए रहते हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर को लेकर के। तो इसके स्ट्रक्चर में, तो ये जो संरचना आपके सामने दिख रही है उसके बारे में बात करें। अब आइए देखते हैं थोड़ा से हम लोग ये समझें कि ये जो एंटीबॉडी है, एंटीबॉडी, इस एंटीबॉडी को बनाता कौन है, ठीक है ना। तो एंटीबॉडी बनाने के लिए हमारे इम्यून सिस्टम में यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र में कुछ सेल्स होती हैं, कुछ कोशिकाएं होती हैं, जिसमें आप इनको प्राथमिक लिम्फॉइड यानी कि प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन भी कह सकते हैं, जिसमें बी सेल्स होती हैं और टी सेल्स भी होती हैं। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, आप कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। तो बी लिम्फोसाइट जो सेल होती है, यानी कि ये जो सेल है यही क्या करती है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करती है, यानी कि एंटीबॉडी का फॉर्मेशन जो है वो किससे होता है, बी लिम्फोसाइट सेल से, यानी कि बी सेल से होता है। तो ये बी सेल्स बनती कहाँ हैं, हीमोसाइटोब्लास्ट सेल होती है जो मल्टीपोटेंट या हम कह सकते हैं टोटीपोटेंट सेल होती हैं, जो कई तरह की सेल निर्मित कर सकती हैं, उन्हें हम लोग टोटीपोटेंट सेल कहते हैं। तो हीमोसाइटोब्लास्ट जो होती है वो एक टोटीपोटेंट सेल है, लाइक एज हमारे जायगोट जैसा जैसे होता है उस तरह से होती हैं। तो आपको ये सारी बातें समझ में आनी चाहिए। तो एंटीबॉडी किससे बनती है, तो आपके बी सेल से बनती है। बी सेल का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बोन मैरो में होता है, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो। तो वहाँ पर
कौन सी ऐसी सेल होती है जो बनाती है, उस सेल का नाम है हीमोसाइटोब्लास्ट सेल। ठीक है ना, आई होप पूरी बात समझ में आ रही होगी। हमारे साथ कंटिन्यू बने रहें, अभी इसके बारे में आपको पूरा इन डिटेल बताया जाएगा कि क्या कैसे होता है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ आ गई। अब इसके स्ट्रक्चर को लेकर के हम बात करते हैं, एंटीबॉडी की संरचना क्या होती है। अब देखिए एंटीबॉडी आपके सामने, देखिए एंटीबॉडी में क्या होता है संरचना, तो यहां पर ये जो पोर्शन है इसमें ये एक आपको दिख रहा होगा, इसके ऊपर NH2 ग्रुप और यहां पर भी NH2 ग्रुप और नीचे कार्बन, यहां पर आप NH2 डाल सकते हैं, ये NH2 ग्रुप मतलब ये लास्ट शिखर इसका, यहां पर NH2, यहां पर क्या आप डालेंगे कार्बोक्सिलिक। अब क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि आपको इससे पहले क्लास 11th में जैव अणु बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर पढ़े होंगे, तो वहां पर प्रोटीन का फॉर्मेशन पढ़े, क्योंकि जब ये भाई प्रोटीन है, अगर ये प्रोटीन है तो इसका मतलब प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है, अमीनो एसिड। तो इसका मतलब प्रोटीन किससे मिलकर के बनी है, अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड में दो टर्मिनल होते हैं, एक टर्मिनल पर अमीनो ग्रुप, दूसरे पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है। तो एक टर्मिनल पर ये भी अमीनो एसिड की श्रृंखला है, ये भी अमीनो एसिड की श्रृंखला है, तो एक पर, अब यहाँ पर भी कार्बोक्सिलिक है, मैंने लिखा नहीं, कार्बोक्सिलिक है, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक ओएच ग्रुप, यहाँ पे अमीनो ग्रुप। तो ये सिस्टम है, जैसे प्रोटीन किससे मिलकर के बनी भाई, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, प्रोटीन ये मिलकर किससे बनती है, अमीनो एसिड से। ठीक है ना, अमीनो एसिड से। तो अमीन, जैसे मान लीजिए एक अमीनो एसिड ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, इस तरह से। तो एक छोर पर NH2 ग्रुप मिलता है और एक छोर पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिलता है। तो वही एक छोर पर क्या लिखा गया, अमीनो ग्रुप, दूसरे छोर पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, वही चीज़ यहाँ पर NH2, यहाँ पर कार्बोक्सिलिक। तो इस तरह से होता है, और इसके बीच में पेप्टाइड बॉन्ड होता है, एक पेप्टाइड, दो पेप्टाइड, तीन पेप्टाइड, चार पेप्टाइड, इसका मतलब बहुत सारे हो गए, इसको क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। ठीक है ना, जो अमीनो एसिड किससे जुड़ा होता है, पॉलीपेप्टाइड, यानी प्रोटीन में कौन सा बंध पाया जाता है, तो पॉलीपेप्टाइड। जब केवल दो ही अमीनो एसिड होगा तो इसको केवल बोलेंगे पेप्टाइड, कई सारे जुड़ गए तो पॉलीपेप्टाइड, या फिर एमाइड बॉन्ड कहते हैं उसको। ठीक है ना, एमाइड बॉन्ड कहते हैं। बात आपको सारी समझ में आएगी, आप हमारे साथ चलते रहें। अब इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, स्ट्रक्चर इसका क्या है, संरचना क्या है। अब देखिए, जैसे ये दोनों क्षेत्र जो हैं, एक इसमें ये, इसको बोला गया हैवी चेन, हैवी चेन, और बगल वाले को बोला गया लाइट चेन। ठीक है ना, लाइट चेन, भारी श्रृंखला और हल्की श्रृंखला। सेम यही सिचुएशन इस साइड भी है, इस साइड भी है, आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं। तो अब देखिए, इसमें जो भारी श्रृंखला है, हैवी चेन, तो बनी किसकी है, ये सभी क्या है, प्रोटीन है, क्योंकि आपने अभी एंटीबॉडी की संरचना देखी, प्रोटीन है। तो अगर ये प्रोटीन है तो इसका मतलब किससे बने, अमीनो एसिड के। तो हैवी चेन में कितने अमीनो एसिड हो सकते हैं भाई, 450 या 500 तक अमीनो एसिड, और जो लाइट चेन है उसमें क्या होगा, 220 से 250 अमीनो एसिड मिलते हैं। ठीक है ना, मतलब एक चेन में, छोटी चेन में 220 और बड़ी चेन में 450, अगर 250 है तो ये 500 है, ये दोनों चेन में इधर उधर आपके साथ एक जैसा ही होगा। अब इसके बाद जो एंटीबॉडी होती है, ये नीचे वाला जो स्टैंड होता है, इसको हम लोग आधार पार्ट बोलते हैं। ये आधार, यहाँ से अगर हम कहें ऐसे, तो ये आधार है। ठीक है ना, आधार। अब अगर आधार है तो इसको आप यफ सी खंड बोलेंगे। ठीक है ना, यफ सी खंड, यानी आधार पोर्शन को एफ सी खंड बोलते हैं, जो किसी के लिए बदलता नहीं, हमेशा उसी तरह रहता है। अब जो ऊपर वाले ये पोर्शन है, ये पोर्शन जो है, दोनों में ये पोर्शन जितना है, इसको आप यफ ए बी खंड कहते हैं। ठीक है ना, यफ ए बी खंड कहते हैं, क्यों, क्योंकि फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन, यफ ए बी का मतलब फ्रैगमेंट ऑफ एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन। ठीक है ना, मतलब यहां पर इस एंटीबॉडी का जो शिखर पार्ट होता है,
शिखर पार्ट, मतलब ये भाई आधार पार्ट है, तो ये क्या है, शिखर पार्ट है। और शिखर पार्ट पर क्या जुड़ता है, कोई एंटीजन आकर के जुड़ता है। एंटीजन कहाँ जुड़ता है, शिखर पार्ट पर। और जहाँ पर एंटीजन जुड़ता है, अब भाई बात समझ लें, इसी को क्या बोलते हैं, पैराटॉप कहते हैं। तो पैराटॉप क्या है भाई, पैराटॉप यानी एंटीबॉडी का वह भाग, एंटीबॉडी का वह भाग जिससे कोई एंटीजन या पैथोजन एंटीजन जुड़ता है, ठीक है, जुड़ता है। मतलब एंटीबॉडी के जिस हिस्से से, जिस भाग से कोई पैथोजन या एंटीजन जुड़ता है, उसे क्या कहते हैं, पैराटॉप कहते हैं। तो यहां पर ये आकर के कोई एंटीजन, जैसे मान लीजिए कोई एंटीजन आया ऐसे, ठीक है, आकर के यहां पर ये इस तरह से जुड़ गया, तो इस क्षेत्र को आप क्या बोलोगे, पैराटॉप कहेंगे, ठीक है ना। आइए अब इसमें हमें अमीनो एसिड पता चल गया, हैवी चेन लाइट चेन। तो इसमें कितने हैवी चेन है, कितने लाइट चेन है, तो एंटीबॉडी में, ठीक है ना, एंटीबॉडी में दो हैवी चेन और दो लाइट चेन होती हैं, ठीक है ना, दो लाइट चेन होती हैं। और ये दोनों आपस में किससे जुड़ी होती है, मतलब ये दोनों चेन आपस में किससे जुड़ी होती हैं, तो ये जुड़ी होती हैं भाई डाई सल्फाइड बॉन्ड से, ठीक है ना, डाई सल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं। अब डाई सल्फाइड बॉन्ड का मतलब क्या होता है भाई, यस, इस तरह से, मतलब सल्फर सल्फर, दो जगह सल्फर से जुड़ा होगा। अब भाई डाई सल्फाइड बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, ये भी जान ले, कितनी संख्या होती है, 16, ये याद रखना है इसमें, ठीक है ना। तो अब हम आपको डाई सल्फाइड बॉन्ड की संख्या की गिनती करवाते हैं, आप इसको कंटिन्यू देखते रहेंगे, अगर बात फिर से देखना हो तो फिर से आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है ना। आपको एंटीबॉडी में दो हैवी चेन और दो लाइट चेन, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, H2L2 श्रृंखला भी कहते हैं, क्योंकि H का मतलब हैवी, कितने चेन, दो, L का मतलब लाइट यानी हल्के चेन, कितने हैं, दो हैं। मतलब ये वाला पोर्शन जो है ये आपका लाइट चेन है और ये वाला जो है आपका हैवी चेन है, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे थोड़ी सी कहानी इसकी, स्ट्रक्चर को लेकर के। अब इसमें हम लोग बॉन्ड आपको 16 है, तो नॉर्मली हम आपको यहाँ पर दिखा दे रहे हैं कैसे क्या होगा, कहाँ पर कैसे बॉन्डिंग ये जुड़े होते हैं भाई, क्योंकि भाई नहीं जुड़ेंगे तो ये लाइट और हैवी चेन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, तो भाई अलग हो जाएंगे तो बेकार हो जाएगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए यहां पर एक सल्फर ये वाला हो गया, यहां पर सल्फर सल्फर बॉन्डिंग, यहां पे सल्फर सल्फर, ठीक है, पांच इसमें है, हम एक बना रहे हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे पांच यहां तक होगा, और यहां पर भाई यहां पर देखिए दो दो हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 3, 4, 5 और ये 6, मतलब 5 इधर हो गया भाई, बच्चा पार्टी समझ में बिल्कुल आना चाहिए, 5, 1, 2, 3, 4 और दोनों ये स्टैंड आपस में जुड़ गए एक बॉन्ड से, 5 इधर तो 5 इधर होगा, अब 10 हो गए, 11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, तो कितने सब डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं भाई, 16 होते हैं। तो आई होप ये पूरी बात आपको समझ आ रही है। इसके स्ट्रक्चर को लेकर के हम और कुछ चर्चा कर लें थोड़ा सा, स्ट्रक्चर में बहुत आसान सा है, आपको सारी बातें समझ आनी चाहिए, आ भी रही होंगी। तो अब इसमें कुछ बात हम ये जानने का प्रयास करते हैं, क्योंकि भाई बड़े एग्जाम में छोटे क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं एंटीबॉडी से रिलेटेड, चाहे वो TGT का एग्जाम हो, PGT का हो, या फिर आप नीट का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी ऐसे बड़े एग्जाम दे रहे हैं, तो वहां पर आपके पास
ये क्वेश्चन बनते हैं। तो जैसे पैराटॉप, तो अब देखिए एफ ए बी का क्या मतलब हो गया था, फ्रैगमेंट्स फ्रैगमेंट्स ऑफ एंटीजन बाइंडिंग पोर्शन, ठीक है ना, या रीजन, ऐसे हो गया। मतलब जहां पर क्या होता था, कोई पैथोजन आकर के जुड़ता था, ठीक है ना, जहां पर कोई पैथोजन जुड़ता था, ठीक है। और एफ सी खंड क्या था, यानी फ्रैगमेंट या कांस्टेंट फ्रैगमेंट इसको कहते हैं भाई, कांस्टेंट फ्रैगमेंट्स, क्योंकि भाई ये आधार पार्ट था जो स्थिर होता है, और ये क्या होता है, अलग अलग एंटीजन के लिए अलग अलग हो सकता है, वेरिएबल पोर्शन भी कहते हैं उसको, ठीक है ना, वेरिएबल पोर्शन कहते हैं, क्योंकि अलग अलग पैथोजन के लिए वो अलग अलग साइट बना सकता है, ठीक है ना। तो ये बातें, इसके बाद हम संरचना में, यानी कि संरचना की बात करते हैं, तो जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है ना, एंटीबॉडी, इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, चार पॉलीपेप्टाइड श्रृंखला होती है, पेप्टाइड चैन होती है, ठीक है, जिसमें जिसमें दो हल्की और दो भारी चैन होती है, भारी चैन होती है, ठीक है। अब इसमें यहीं पर काफी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझनी है, बिल्कुल एकदम ध्यान से अगर समझ पाए तब तो बात बड़ी अच्छी है। यहीं पर आपके, आइए देखते हैं थोड़ा सा। अब इसके बाद जो दो हल्की चैन हैं, यानी दो लाइट चैन जो होती हैं, ये दो तरह की हो सकती हैं, ठीक है ना, लाइट चैन जो है ये दो तरह की हो सकती हैं, कौन कौन सी, एक हो सकती है कप्पा और दूसरी हो सकती है लैम्डा, ठीक ना, लैम्डा एक और कप्पा हो गए। लाइट की बात करें, हैवी की बात नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल आप सोचिए कि ये एंटीजन था, सॉरी एंटीबॉडी था, इस चैन की बात हो रही, इस चैन की बात हो रही है, इस वाले की बात नहीं हो रही, ठीक है। तो यहां पर बात समझ लें कि ये जो लाइट चैन है, या तो दोनों चैन, मतलब ये और ये दोनों चैन, या तो कप्पा होंगे या फिर लैम्डा होंगे, मतलब एक एंटीबॉडी में एक तरफ कप्पा हो एक तरफ लैम्डा हो, ये चीज संभव नहीं है, नहीं होती है। ये बड़े एग्जाम के छोटे प्यारे क्वेश्चन हैं, आपको इसको समझ आनी चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद काफी इंपॉर्टेंट लाइन, काफी अच्छी बातें जो आपको समझनी चाहिए, या आपके शरीर की रक्षात्मक कड़ी जो है उसके बारे में बातें हो रही हैं, आपको रोगों से लड़ने की जो ताकत देती है उसके बारे में हम लोग बातें कर रहे हैं। तो ये जो चर्चा है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन को लेकर के, टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन, तो ये नॉर्मली कितने तरह की भाई, अब इसको साइट में आप एग्जांपल चाहे गेम्ड बोल दें तब भी आपको समझ आ जाएगा, चाहे दिमाग कह दें दिमाग खराब, तो उस तरह से भी आप दो तरह से निकाल सकते हैं। जैसे एक की बात कर रहे हैं हम लोग नॉर्मली इसको क्वेश्चन के लिए, IgE, IgM, IgA और IgG, ये पांच तरह के। एक तो हम इसको नॉर्मल, जैसे आप लोग ट्रिक की बात करते हैं, तो ट्रिक का मतलब ये है कि आप क्या करेंगे कि दिमाग खराब है, दिमाग मतलब दिमाग ना कहकर दिमाग, तो पहला कौन सा होगा IgD, दूसरा कौन IgE, तीसरा यम से क्या हो जाएगा IgM, और ए से क्या हो जाएगा IgA और IgG। तो मतलब एक ट्रिक आप इस तरह से, दिमाग खराब है तो दिमाग से आप ये आसानी से निकाल सकते हैं। एक और दूसरी ट्रिक गेम्ड है, गेम्ड, तो जी से IG वाला इधर, ए से
फिर यम से, फिर ई से, फिर डी से, मतलब इसी का उल्टा कर देंगे तो आपका ये बन जाएगा, सीधा पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा। ये काफ़ी अच्छी ट्रिक है आपको एंटीबॉडी के टाइप्स लर्न करने की, दिमाग या फिर गेम, ठीक है जस्ट। तो अब इसमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन ये है, बात ये है, सबसे ज़्यादा यानी शरीर में जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है वो एंटीबॉडी कौन है, इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, ठीक है ना, यह जो है सबसे अधिक मिलती है, सबसे अधिक हमारे बॉडी में मिलती है शरीर में, ठीक है। जैसे क्वेश्चन बनेगा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली इम्यूनो एंटीबॉडी कौन है, IgG मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन गामा, ठीक है। और उसके बाद सबसे बड़ी वाली कौन सी है, सबसे बड़ी जो एंटीबॉडी होती है, सबसे बड़ी एंटीबॉडी उसका नाम क्या है भाई, IgM है सबसे बड़ी, क्यों है, क्योंकि इसमें ये 5 एंटीबॉडी से मिल करके ये अपने स्ट्रक्चर बनाती है, इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट ज़्यादा होगा, बड़ी है, इसमें जहाँ पर जुड़ता है वहाँ पर जे शेप का स्ट्रक्चर भी बनता है, ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन। और दूसरी सबसे बड़ी कौन सी है, ये दूसरी सबसे बड़ी है, और इसके साथ ये दूसरी सबसे बड़ी एंटीबॉडी है, और ये आपके हम कहते हैं कि मदर से यानी कि जो है प्लेसेंटा के थ्रू, मदर के जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा उससे ये एम्ब्रियो में भी पहुंच जाती हैं, और ये दुग्ध में पाया जाने वाला एंटीबॉडी है, जो जैसे कोलेस्ट्रम का नाम आप सुने होंगे, कोलेस्ट्रम, ठीक है ना, जो माँ का एक दो दिन का जो दूध होता है शुरुआती मिल्क जो बाहर आता है बच्चों को पिलाया जाता है, उसमें IgA पाया जाता है जो रोगों से, उस बच्चों को रोगों से लड़ने की ताकत देता है वहाँ पर, ठीक है ना। आई होप ये बातें बिल्कुल आपको समझ आ रही है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो आप इसको अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।